इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप देख पाओ वीडियो सबसे पहले। परमाणु हथियारों के मामले में अब पाकिस्तान भारत से कुछ कदम आगे हो गया है। वहीं चीन के पास भारत और पाकिस्तान की तुलना में दोगुने परमाणु हथियार है। हालांकि भारत को इस बात का अफसोस नहीं है। भारतीय रक्षा संस्थानों का मानना है कि परमाणु हथियारों को लेकर भय को दूर करने की क्षमता काफ़ी बलवान है और भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि किसी भी हमले के समय वह सुरक्षित रह सकता है। साथ ही वह और ज़्यादा आधुनिकीकरण पर भी नज़र रखे हुए हैं। किसके पास कितने परमाणु हथियार? पाकिस्तान के पास अब 140 से 150 के बीच परमाणु हथियार है। वहीं अगर भारत की बात करें तो यह संख्या 130 से 140 के बीच है। दूसरी तरफ चीन के पास 280 परमाणु हथियार है। अमेरिका और रूस के पास मौजूद परमाणु ताकतों के आगे दुनिया का कोई देश नहीं टिकता है। रूस और अमेरिका सबसे आगे। सिमरी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के पास 6,450 तो रूस के पास 6,850 परमाणु हथियार है। दुनिया भर में इस समय 14,465 परमाणु हथियार है। इसमें रूस और अमेरिका का योगदान 92% है। परमाणु क्षमता से लैस 7 देशों के पास छोटे परमाणु हथियार है, लेकिन ये देश या तो नया न्यूक्लियर वेपन सिस्टम विकसित कर रहे हैं या फिर उन्हें डिप्लॉय कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस समय अपने परमाणु हथियारों में इजाफा कर रहे हैं। दोनों देश जमीन, हवा और पानी से लॉन्च हो सकने वाले मिसाइल डिलीवरी सिस्टम को भी डेवलप कर रहे हैं। चीन और पाकिस्तान भारत के लिए बड़ा खतरा। चीन अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण कर रहा है और धीरे धीरे परमाणु हथियारों का ढेर बढ़ा रहा है। सूत्रों की माने तो भारत के सामने चीन और पाकिस्तान जैसे दो बड़े खतरे हैं। ऐसे में भारत के पास एक सिस्टम के तहत ऐसे परमाणु बचाव सिस्टम को विकसित करना है जो विश्वसनीय हो और जवाब में भारी नुकसान करने में सक्षम हो। विशेषज्ञ कहते हैं NFU नीति के तहत परमाणु हथियारों की संख्या ज़्यादा मायने नहीं रखती है। पाकिस्तान ने जानबूझकर अपनी परमाणु नीति को अति महत्वाकांक्षी रखा है और उसका पहला मकसद भारत से बचाव करना है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं।